चेहरा कला प्रखंड स्तरीय वार्षिक दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खेलेगा बच्चा तभी खेलेगा बच्चा, बोले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजू कुमार। के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। वैशाली, चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मानंद उच्च विद्यालय सिहान के प्रांगण में चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का प्रखंड स्तरीय दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेहरा कला एवं लेखापाल रामजी प्रसाद के नेतृत्व में किया गया, जहां हर मध्य विद्यालय के खेल के शिक्षक एवं शिक्षिका एवं प्रखंड में नियुक्त बीआरपी रघुनाथ कुमार, अभय कुमार, विजय कुमार, स्काउट प्रभारी पवन कुमार एवं शिक्षकों में मोहम्मद इस्लाम चैनपुर उर्दू, संतोष कुमार फतेहपुर जलालपुर उर्दू, सैफुल्लाह नासिर अबाबतपुर उर्दू, अतुल कुमार एवं नीलम कुमारी मध्य विद्यालय चपेट, उमेश कुमार एवं अब्दुल समद मध्य विद्यालय छपरा, दिलीप सिंह मध्य विद्यालय कटेहरा, दिलीप कुमार अबाबकपा, दिनेश कुमार मध्य विद्यालय ताल सिहान समेत तमाम मध्य विद्यालय के खेल प्रभारी शिक्षक अपने बच्चों के साथ हाई स्कूल सिहान उपस्थित हुए, जहाँ छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। खेलों में कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ एवं जल जीवन हरियाली टीएलएम, नंबर पलटो, लेटर पहचानो, नंबर पर तो 1 से 100 तक की गिनती सीखो, वर्ण बढ़ाओ, अक्षर बनाओ का दक्ष मापन किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया उन छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रोग्राम के पश्चात एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा पदाधिकारी चेहराकला श्री रघुनाथ प्रसाद ने कहा कि इस दक्ष खेल प्रतियोगिता से पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है, और जो बच्चा हष्ट पुष्ट होगा वही बच्चा खेलेगा और वही बच्चा खेलेगा भी। 5 मिनट में फड़ जाओ, पकड़ने का और मारने का प्रयास करो, पकड़ने का और मारने का। ये अभी प्रतियोगिता सिहान बीएन हाई स्कूल 2+2 के प्रांगण में किया गया है। आप शिक्षा पदाधिकारी है चेहरा कला का, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में ये प्रश्न है कि ये कितना योगदान पूर्ण है एक छात्र एवं छात्राओं के लिए शिक्षा के मैदान में। माननीय जिला पदाधिकारी वैशाली के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि प्रखंड स्तरीय जो दक्ष खेल कूद प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाए, 28 तक अवधि दिया गया था, इसको संज्ञान में लाते हुए उनके आदेश के अनुपालन में खेल प्रतियोगिता अभी जो है सिहान उच्च विद्यालय के ग्राउंड में किया जा रहा है। पहले कहा जाता था कि खेलों को कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज की परिस्थितियाँ जो है पूरी तरह चेंज कर गई है। अब पढ़ने वाले जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं बल्कि उनमें शारीरिक बल भी मिलता है, शारीरिक जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी चेंज होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सिहान ग्राउंड में जो प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं हमारे, उसमें प्रतिभावान और पिक एंड चूज हो रहा है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी का सिलेक्शन हमारे सेलेक्टर कर रहे हैं उसको जिला स्तर पर जो दक्ष खेल कूद प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, और सांत्वना के रूप में सभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करने वाले जो खिलाड़ी हैं, चाहे वह कबड्डी में हो, एथलेटिक्स में हो, खो खो में हो या शतरंग में हो, ऐसे 7 जो है 7 प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को
पारितोषिक रूप में हमारे तरफ से जो मेडल है इसको भी दिखाया जाए। यह मेडल जो है हमारे खिलाड़ियों को दिया जाएगा और यह आशा किया जाएगा कि इसी में से चयनित जो छात्र है वह जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सिलेक्टेड होंगे। सर धन्यवाद।